फ़िलहाल हैं हम पठानकोट से 85 किलोमीटर पहले, और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करना था, बच्चों की नींद नहीं खुल रही थी, हमारी खुद की सुस्ती नहीं ख़त्म हो रही, तो ये खड़ी है गाड़ी और ये है रेस्टोरेंट। अगर बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश होना हो तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके का रेस्टोरेंट चूज़ किया है काफ़ी देर बाद। और ये है काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ बैठी है सारी पंचायत और वेट कर रहे हैं खाने का, ऑर्डर दे चुके हैं, तो अभी सिंपल सा कुछ नाश्ता और पराठे में भी पराठे अभी ऑर्डर किया, तो देखते हैं जल्दी कितनी देर में आता है, आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो छोटा मोटा ब्रेकफास्ट हो चुका, चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में, करते हैं अपना एक बार दोबारा सफ़र शुरू। तो टाइम हो चुका है 2:45, जम्मू का स्टेट टैक्स हमने भर दिया है, सामने हल्की चढ़ाई और छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, सफ़र हमारा जारी है। और ये लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी है। तो भाई शाम के बज चुके हैं 5 और हमने क्रॉस कर लिया है जम्मू, और कटरा हमारे से हार्डली 20 किलोमीटर आ गए, और ये है वो हाईवे मैकडॉनल्ड के ठीक सामने, यहाँ पे हवेली है। तो चलो हल्का फुल्का सा कुछ करते हैं, नाश्ता टाइप या लंच टाइप, और लंच का टाइम देखो ये हो रहा है 5 बज गए हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे कटरा पहुंच के, फिर एक होटल ढूंढेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल में 7 या 8 बजे रात को चल लेंगे। तो चलो अंदर चलते हैं। कौन से ज़माने की बाइक है भाई पता ही नहीं, ये हुक्के में बल्ब है और बिल्कुल लाल है, लाल दिखाई नहीं दे रहा है, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो हो गया है लंच, और खाना ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, दाम भी बहुत बढ़िया नहीं थे, ठीक थे, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था खाना, अच्छा कह सकते। तो हवेली को करते हैं अलविदा और चलते हैं आगे, ये खड़ी है गाड़ी, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम कटरा पहुंच चुके हैं 6:30 बजे, और जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई रात के बज चुके हैं 10:30, हमने ये होटल 6:30 बजे ढूंढ लिया था, और हम यहाँ पे थोड़ा सा रह के और हमने आराम आराम कर लिया, नहा धो लिया है, नहा धो के अब हम हैं तैयार दोबारा चलने के लिए। यात्रा पर्ची हमने वहां से नहीं निकाली थी, यहाँ से निकाली है, ऑनलाइन निकाली है, तो आज की जो यात्रा पर्ची थी वो हमें नहीं मिली, हम थोड़े से लेट हो गए थे, तो हमने अब कल की निकाली, यानी कल यानी 12 बजे के बाद, 10:30 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ को, जो वैष्णो देवी का जहाँ से यात्रा शुरू होती है। और ये है हमारे होटल का रूम, यहाँ हम फ्रेश होने के लिए रुके थे, फ्रेश हो चुके, नहा धो लिए, और रूम काफ़ी अच्छा है, विराट इंटरनेशनल के नाम से ये होटल है, अच्छा है, सर्विस अच्छी है, कीमत भी अच्छी है, और जिस कीमत का ये रूम है उस कीमत के से सर्विस भी अच्छी है। तो 12 बजे से हमारी यात्रा शुरू होनी है, तो हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। तो ये है एंट्रेंस गेट, जहाँ के बाद आपको पैदल चलना है, खच्चर पे चलना है, पालकी पे चलना है, प्रैम में चलना है, बट आपको गाड़ी से नहीं चलना है, ऊपर तक थोड़ा ऊपर जाओगे आप तो बैटरी के आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बट यहाँ से ऑटो वाटो सब ख़त्म हो जाता है, यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो आपको यात्रा पर्ची यहाँ दिखानी है, और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू करते हैं। ये
ये बहुत बड़ी स्क्रीन चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच बीच के नज़ारे भी हैं, और दरबार की फ़ोटो भी है, भवन की फ़ोटो भी यहाँ चल रही है। ये स्क्रीन है, गेट के बगल में चल रही है। हालांकि जैसा अभी हमें बताया गया है कि भाई हमारी जो पर्ची है वो कल की है, तो हमें रात के 12 बजे के बाद ही यहाँ से एंट्री मिलने वाली है, हम इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, अगर अभी जा पाए बाई चांस तो चले जाएंगे धीरे धीरे, अदरवाइज़ हमें अभी यहाँ वेट करना है। तो ये बैंड है जय माता दी का, और ये भाई आप सर पे बांध लो, हाथ पे बांध लो, कहीं बांध लो, बांध लो इसे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं बेचने वाले, जब तक आपके हाथ में सर पे कहीं दिखाई नहीं देगा तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो 11:15 बजे के आसपास हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी राइट वाले गेट से, और उन्होंने जाने दिया, बोला चलो एक दिन पहले निकल जाओ, एक घंटा पहले। नीचे काफ़ी जहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, खच्चर वहाँ से शुरू होते हैं लोग, वहाँ पे जब ऊपर से लोग आ रहे होते हैं वो बैठ जाते हैं, यहाँ से जो जाने वाले होते हैं वो एक बार सांस लेते हैं कि भाई अब चढ़ाई करनी है, शुरू करना है। हम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे, 15 किलोमीटर की टोटल ये चढ़ाई है भवन तक, जहाँ माता रानी विराजमान है, और उसके 2 किलोमीटर और ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, वो थोड़ी सी और स्टीप चढ़ाई है। तो 15 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं लगभग, और चल रहे हैं धीरे धीरे आराम आराम से, फैमिली हैं, बच्चे हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। बाकी अब धीरे धीरे ऊपर जो है भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई देगी, छटने लगेंगे लोग, जो जैसे जैसे थकते जा रहे हैं वो बैठते जा रहे हैं। ऊपर से आने वाले यहाँ भी जैसे इन रास्तों में थोड़ा सा कम रुकते हैं, इस रास्ते में दुकानें आपको ऐसी दिखाई देंगी, ये पूरी रात खुली रहती है, 24 घंटे खुली रहती है, 24x7। तो ठीक है, यात्रा अपनी जारी है, अभी अर्धकुंवारी आएगा बीच में, और फिर एक दो जगह और है छोटी मोटी सी, बाकी रात का टाइम है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। लोगों का जोश, लोगों का जुनून यहाँ लगातार देखने को मिलता रहता है। लोग नॉर्मली 12 बजे शहरों में लोग सो जाते हैं, यहाँ चल रहे हैं। रात के 2 बज चुके हैं और हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक, और ये आपके सामने कटरा जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, है ना गजब, लग रहा है ना मोती बिखेर दिए हैं। तो 5200 फीट है टोटल चढ़ाई कटरा से लेके भवन तक, जो कि हमें 12 किलोमीटर में तय करनी होती है। वो जो पीछे मैं 15 किलोमीटर बता रहा था आपको, वो टोटल के आसपास है भैरव बाबा तक, और 6.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अर्धकुंवारी जो अभी आने ही वाला है। और देखो रात भर इसी तरीके से चलता रहता है लोगों का हुजूम। तो यहाँ पे हैं 4 रास्ते, एक हमारे सीधा नीचे से जो बिल्कुल सामने से आ रहा है ये रास्ता, एक हम खड़े हैं रास्ते पे, और एक जा रहा है यहाँ से ऊपर को। तो ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर को, ये अर्धकुंवारी का रास्ता है, और हम सीधा जा रहे हैं भवन को, हम नहीं जा रहे हैं अर्धकुंवारी, तो हमने अर्धकुंवारी को स्किप कर दिया है। और एक ये नीचे का रास्ता बना हुआ है, ताराकोट का रास्ता बोलते हैं इसको, ये एक नीचे के लिए रास्ता बना हुआ है, ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें स्टीप नहीं है, ज़्यादा ढलाने नहीं है, बहुत प्लेन और बहुत चौड़ा रास्ता बना हुआ है, नया रास्ता है ये। तो चलो मिलते हैं भवन पे अब सीधा।
सुबह के बज गए हैं 5 और हल्की हल्की सी रोशनी पहाड़ के उस तरफ से आने लगी है और भवन रह गया है 3 किलोमीटर दूर। चढ़ाई बदस्तूर जारी है, सारी रात हम चढ़ते रहे। चलो फिर चलते हैं भवन। तो 5:15 बज चुके हैं और ये भवन की एक साइड की बिल्डिंग है, हालांकि पूरा भवन नहीं है, भवन इसके भी जो एक्चुअल मंदिर है वो इसके भी पीछे है, लेकिन इस यहाँ से पूरा एक बिल्डिंग है जिसमें ये मंदिर है और यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो सूरज लगभग पूरा निकल चुका है और सुबह हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं। यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, शायद पूजा भी हो रही हो अंदर। तो ये है भवन की पहली झलक, चलते हैं आगे। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हैं हम। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और कल रात हमने सारी पूरी रात हमने सफ़र तय किया, चढ़ाई करी और 6:30 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच गए थे। 6:30 बजे आरती शुरू हो जाती है, तो हमारे पास कोई ऐसा हमें मौका मिला नहीं कि हम माता के दर्शन कर पाएँ या भवन में जा पाएँ। तो हमने फिर यहाँ पे एक रिलेटिव है हमारे, उनका यहाँ पे छोटा सा मकान, छोटा सा एक रूम है, तो इस भवन के बिल्कुल सामने ही है। तो लेकिन है थोड़ी सी दूरी, मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर दूर होगा ये सारा रास्ता जो है इधर ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए ठहर गए थे, अब बज चुके हैं 9 और हम थोड़ा सा सुस्ता लिए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश होके मुँह हाथ धो के अब चल रहे हैं दोबारा दर्शन को। तो सामान वामान उठा लेते हैं, क्लॉक रूम में डाल लेंगे और अब ये मोबाइल जा रहा है सामान के अंदर, तो हम वो उठा के डाल देंगे क्लॉक रूम में। तो इसके आगे की वीडियो न दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर वापस जब हम दर्शन करके आ जाएंगे। भाई मिलते हैं हम भवन के दर्शन के बाद।